मुसुंडी बाबा ने गरुण जी के प्रश्न पर उत्तर दिया, नर समान नहीं कौन वो देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक सर्ग अपवर्गन सेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ दे। मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर ने दुर्लभम मानुषम दे, और ये मिल गया क्या करें, अतः सदुपयोग करो। क्या करें महाराज, संसार का व्यवहार पूरा हो गया हो तो अपने लिए जीने का अभ्यास करो। ये अपने लिए कैसे जीते हैं महाराज, थोड़ा भज लो, भज ले प्राणी रे अज्ञानी, क्योंकि दो दिन की जिंदगान वृथा क्यों भटक रहा है, झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया जगत। बाबा सब हो गया, भजन करो। भजन करा अब होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, राम भजा राम भजन करके रसोई हो, जगतिया कोई नहीं अपना। आप में से वो सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते। आप कहेंगे क्यों भाई, बाबा उल्टा बोलते हैं। उल्टा नहीं बोलते हैं, यह सीधा है। जिसके बच्चे बात मानते रहेंगे वो घर छोड़ ही नहीं पाएगा, भजन कर ही नहीं पाएगा, उसी में लपटा रहे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे, तो मरो सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ। एक थे गाय रख लो, एक थे भैंस रख लो, मुनुआ को दूध पिलाने के लिए। बच्चे यदि हर बात मानते रहेंगे तो घर छुटबे नहीं करेगा। उन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद करिए जो बतिया मानी नहीं रहे, वो कह रहे हैं जा भजा, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सुग्रीव जी कहते हैं, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरी अब करब सेवकाई, सब परिहरी करब सेवकाई, एही से निस्तार हमर होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई चवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं। इसलिए कही गए गोसाई बाबा ई राम कथा गाई के, हरि का भजन करा मन लगाइए, कलयुग से निस्तार तब होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई। जब तक संसार से उपरति नहीं प्राप्त होगी तब तक इनकी याद नहीं आती है। यहां भी पद है, अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु या आई न हो, हे तुम्हारी प्रभु आई न हो। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कठिन ना, कभी भी न लगता कठिन ना, मित्रों से जो मित्रों से